अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम मौजूद हैं ड्रैगन फ्रूट फार्म पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं भैया, आपका नाम? मोहम्मद सजावल साहब। ये ड्रैगन फ्रूट फार्म पे होते हैं, ये कौन सी जगह है जहाँ आज हम मौजूद हैं? ये बानी। बानी बहनी बहनी ये जगह है, और लाहौर से हम पहुँचे हैं आज, लेकिन शौक था ड्रैगन फ्रूट देखने का। तो इनसे जानते हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की तरफ से, आप ये देखें, यहाँ भी दिखाएं आप, ये सारा फार्म लगा हुआ है। ये फार्म कितने एरिया पे है? 3 एकड़ करीब आ जाएंगे कैमरे के। 3 एकड़ पर ये फार्म है। और ये फल किस मौसम पे लगता है? ये भाई गर्मियों में लगता है। गर्मियों में लगता है, आजकल भी लगा है, सर्दी शुरू होने वाली है। अब ये टूट जाएगा? ये टूट जाएगा, फिर खत्म होगा, फिर गर्मियों में होगा। अच्छा, इसके बाद गर्मियों में होगा जी। और ये कितने फासला है इसमें, ये हम देख रहे हैं पौधे का, पौधे से कितना फासला है? ये 1.5 फुट का है? नहीं, 1.5 फुट से ज़्यादा लग रहा है मुझे ये बीच में जो है ना, 1.5 फुट का। अच्छा, बीच और में। ये 3-3.5 का। अच्छा, ये 3-3.5 का जी। और पानी लगाने के लिए मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने स्प्रिंकलर इरीगेशन रखी हुई है, ड्रिप इरीगेशन। तो इसको ज़्यादा पानी क्यों नहीं लगाते? इसलिए कम पानी चाहिए सर, थोड़ा बस पाइप के साथ, ड्रिप इरीगेशन के साथ। यस। और इसका जो फ्रूट है, मेन क्वेश्चन ये है, वो कहाँ सेल होता है? ये इस्लामाबाद, कराची। अच्छा, और लाहौर में। क्या रेट चल रहा है इसका? 1500 रुपये का किलो। किलो 1500 रुपये का ड्रैगन फ्रूट है। और कितना खर्चा आ जाता है इसके स्प्रेयों पे? ये खर्चा तो बहुत आ रहा है इसमें, तकरीबन महीने का 1 लाख। 1 लाख एक एकड़ पे? तीनों एकड़ पे? तीनों एकड़। लेकिन अगर 1500 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है तो वो तो पूरा हो जाता है आपका खर्चा। तकरीबन कितना फ्रूट ले लेते हैं इस फार्म से आप? भैया कम से कम 5-6 मन। 5-6 मन? यस। एक फार्म से? यस। अभी पहले 5-6 मन था, अब कम से कम 12-13 मन है। अब बहुत कटाई, जैसे जैसे पौधे बड़े हो रहे हैं यस, वैसे वैसे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है। तो इसके लिए ज़मीन कौन सी ठीक है अगर लगाना हो किसी किसान ने हमारी वीडियो देख के? यस, जो भी जिस तरह की ज़मीन होगी चल जाएगा। तो कटिंग्स के साथ लगेगा? यस। और ये मैं देख सकता हूँ, आगे आ जाएं आप, ये मैं देख सकता हूँ ये सीमेंट के उन्होंने ब्लॉक लगाए हैं और ये तारें लगाई हैं, ये किस लिए? ये इसके लिए भी, मतलब ये लिफ्ट। इसका वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप ये देख सकते हैं सिल्वर की ये तार लगाई गई है। हाँ जी। और ये सीमेंट के ये बना के लगाए गए हैं। हाँ जी। ये बहुत वज़नी हो जाता है। हाँ जी। और ये ड्रैगन फ्रूट है, ये चाइनीज़ का फार्म है, चाइनीज़ का ये वेंचर है, उन्होंने ये शुरू किया है। और मज़ीद हम आगे चलते हैं, फार्म देखते हैं। ये आप देखें, ये ड्रैगन फ्रूट भी लगा हुआ है, ये छोटे साइज़ का, लेकिन हम उधर जाके बड़े साइज़ का भी देखेंगे अभी ना। अच्छा, ये आपने सोलर लगाया, ये सोलर किस लिए? ये पंप लगा हुआ है, ये खाद वगैरह। अच्छा, इसमें फर्टिलाइज़र है इसमें जी? ड्रिप ड्रिप इरीगेशन के लिए ये सोलर के ज़रिए चलता है। यस। बहुत सस्ता काम है ये। इसमें आप दवाई भी डालते हैं पेस्टिसाइड? यस। अच्छा। खाद वगैरह, दवाई वगैरह। अच्छा, वो इसमें डाल देते हैं आप? यस। चलें आगे चलते हैं, इसकी नर्सरी भी देखते हैं हम, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर किसी को पौधे चाहिए हो आप ऑर्डर कर देते हैं कि यहाँ आके लेते हैं फार्मर्स? इधर ही आके लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आप ले जाते हैं। और कुछ लोगों ने लगाया भी है, फार्म शुरू भी किया आपकी तरफ देख के? हाँ जी। किस किस इलाके में? ये शिकोपुरा भी लगा हुआ है। शुकपुरे का सुना है मैंने, शुकपुरा रोड पे। यस। ये देखें आप, ये भी ड्रैगन फ्रूट लगा है। फल इतना कम क्यों है इस वक्त, तोड़ चुके हैं आप? नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसका साइज़ बढ़ता रहता है और इसका वज़न बढ़ता रहता है, ये काफ़ी वज़नी हो जाता है, जिसके लिए इन्होंने सीमेंट के ये बनवा के काफ़ी मज़बूत कंक्रीट के हैं और तारें लगाई हैं। बहुत ही वेल मैनेज्ड है, और फंगस का ज़्यादा अटैक होता है इस पर, उसके लिए इसको स्प्रे करनी पड़ती है। अच्छा जी, ये पनीरी है ड्रैगन फ्रूट की? यस। ये ज़मीन में लगी हुई है? ज़मीन में लगी हुई है। इसको कब मुंतकिल करेंगे आप? ये जो भी कस्टमर आता है हम उसको देते हैं। अच्छा अच्छा, ये अभी तैयार है, ये आजकल लगा सकते हैं जाके? यस। ये क्या एज है इसकी? ये एज है इसकी 6 इंच की है, 1 फुट की है, 1.5 फुट की है, 3-3 फुट की है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं? यस। चलें, ये देखें जी, ड्रैगन फ्रूट के कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं गमलों में।
जी नाजरी, इनकी तरफ से हमें गिफ्ट मिला है ये, और हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही मज़े का ये। क्यों अकद भाई, कैसा लगा आपको इसका टेस्ट? क्या बात है, क्या बात, बड़ा मज़े का है। बहुत स्वीट टेस्ट है और मज़े का है। हुआ शेल्स में